Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you with the new and the continue video for our class 10th series, and I am here with the chemistry sections new chapter, that is chapter number 5, that is periodic classification of elements. So I welcome all the students who are watching this video. So in today's video we will cover mainly three concepts of this chapter. Okay, so first concept that is covered in this video is Lavoisier classification of elements. Second is Daubernier law of triads. Third is Newland's law of octaves. So these three topics will be discussed in this video. So do watch till the end and do comment and subscribe for the channel. Let's begin the video. So why there is a need for classification of elements? There are 118 elements and each of them has innumerable compounds. इसका मतलब क्या है students? कि हमारे nature में 98 जितने elements naturally हैं, ठीक है, और artificially हमने 20 elements बनाए हैं, तो दोनों को मिलाकर 118 elements हैं, और वो elements से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है, वो सिंगल सिंगल एलिमेंट से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो उससे एक कंपाउंड बनाओ NaCl, राइट. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उससे कौन सा कंपाउंड हम जानते हैं जो बहुत वेल नोन है? वाटर, राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल द एलिमेंट्स इंडिविजुअली. हम अगर एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करने जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, राइट. सो हेंस देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन सम कॉमन प्रॉपर्टीज. इसीलिए स्टूडेंट्स ये 118 एलिमेंट्स को इजीली स्टडी करने के लिए जिनके पास सेम प्रॉपर्टी थी उसको एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम था उसको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये एक ही सेम एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वैलेंसी सेम थी उसको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वैलेंसी ग्रेटर देन 4 थी उसको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. तो समझ में आ रहा होगा, राइट. सो दैट द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड कैन बिकम ईजी. तो ऐसे क्लासिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि हम 118 एलिमेंट्स को अच्छे से ग्रुप कर पाए, स्टडी कर पाए और उससे कुछ कंक्लूड कर पाए. ओके स्टूडेंट, नाउ हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिवाइड दिस एलिमेंट? सो फर्स्ट साइंटिस्ट वाज लेवाइजर, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है. लेवाइजर नामक एक महान साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जो जिन्होंने 1789 में, कब 1789 में, पूरे एलिमेंट्स को दो मेन टाइप से डिवाइड किया, जिसका नाम था मेटल्स, दूसरा नाम था नॉन मेटल्स. ओके, सो लेवाइजर डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल. तो लेवाइजर ने ये कब बताया था? बहुत पहले 17th सेंचुरी में बता दिया था, ठीक है. आगे जाते हैं. नाउ we are moving to Daubernier's law of triads. तो Daubernier जो थे उनका भी एक contribution रहा था, उन्होंने बताया कि आप ये 118 elements को मैं जो एक rule बताऊंगा उससे आप easily classify कर पाओगे, ठीक है. उन्होंने क्या rule बताया? For some of the group of three elements, when three elements is in a triad, triad का मतलब क्या है students? Three, number three, when written in order of increasing atomic mass. आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे एक्स वाई जेड मैंने लिए स्टूडेंट्स एलिमेंट्स, तीनों के पर्टिकुलर एटॉमिक मास हो सकता है, उसको मैं A1, A2 और A3 बोलता हूँ. A1 से एटॉमिक मास A2 का ज़्यादा है, A2 से A3 का ज़्यादा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रखा है, ठीक है. सपोज हम मान लेते हैं अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए 2, ठीक है, 2, 4 और 6, ठीक है. ऐसे मैंने कुछ भी रैंडम एटॉमिक मास लिए हैं, आप देख सकते हो,
टू से ज़्यादा फोर है, फोर से ज़्यादा सिक्स है, तो एक्स का एटॉमिक मास है टू, वाई का है फोर और जेड का है सिक्स। फिर उन्होंने क्या बताया, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो ये मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स देखना, वॉज रफली द एवरेज, किसका एवरेज, एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो ये मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स, वो उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, ये दोनों नंबर्स का आप एवरेज कीजिए, मतलब कि 2 + 6 / 2, आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 4। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स वाई का एटॉमिक मास 4 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 है, तो समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आप एक्स का एटॉमिक मास लेते हो और जेड का एटॉमिक मास लेते हो, ठीक है, और उसका अगर सम अप करके डिवाइड बाय 2, उसको ही तो एवरेज बोलते हैं, दो एलिमेंट्स है इसलिए आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें से जो वैल्यू आएगी इट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट और द मिडल एलिमेंट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 उन्होंने क्या बोला, आप 3 एलिमेंट लीजिए। स्टेप नंबर 2 उन्होंने क्या बोला कि आप ये तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या बोला, तीन एलिमेंट में से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का आप एवरेज कीजिए, एवरेज करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है आपको वो किसकी एटॉमिक मास होगी, वो सेकंड एलिमेंट की एटॉमिक मास होगी। तो आप ऐसे पूरे 118 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, और ऐसे उन्होंने तीन कितने ट्रियड्स फाइंड किए थे, ही हैज फाउंड 3 ट्रियड्स, ठीक है, 3 ट्रियड्स हैव बीन फाउंड बाय डोवर्नियर, ठीक है। पहले आप देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो आप 7 और 39 का एवरेज कीजिए, बीच में आएगा 7 और 39 का, अगर आप सम अप करते हो स्टूडेंट्स तो 46 आएगा, और 46 को अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो आएगा आंसर 23, ठीक है। 7 + 39 / 2 इज नथिंग बट इक्वल टू 23, क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे जाते हैं, अगर आप सॉल्ट फॉर्मर्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तो क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास को आप प्लस कीजिए, मतलब कि 35.5 + 127, अगर उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 80, विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, राइट। सो दिस ट्रियड इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस ट्रियड इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये था सेकंड ट्रियड। जब आप कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को सम अप करोगे 40 + 137 और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो उसका आंसर आएगा वो होगा 88, एंड 88 इज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। ओके, तो ये थे तीन ट्रियड जो डोबरनियर ने बताए थे। तो क्या इससे पूरा 118 एलिमेंट्स जो थे वो क्लासिफाई हो गए, नहीं हुए, ठीक है। सो देर वॉज अ लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर्स ट्रियड्स, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली अ फ्यू सच ट्रियड्स, और फ्यू में कितने नंबर्स मैंने बताया आपको, 3 ट्रियड्स वेयर मेनली फाउंड, सो द लॉ कुड नॉट गेन एनी इम्पोर्टेंस, ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ऑफ ट्रियड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सभी एलिमेंट्स को इजीली क्लासिफाई नहीं कर सकते थे ट्रियड्स के फॉर्म में, राइट। सो नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था न्यूलैंड, न्यूलैंड ने अपना लॉ, अपना सेट ऑफ रूल्स बताए क्लासिफाई करने के लिए, और उनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड के रूल का नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है। तो कुछ 8 नंबर इसमें रूल में शामिल होगा, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। सो व्हाट वाज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज विच आर अ रिपीटिशन ऑफ दोज ऑफ फर्स्ट, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, ऐसे बताया, किसने बताया, न्यूलैंड ने, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, कब, जब आप सभी एलिमेंट को कैसे अरेंज करोगे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कैसे अरेंज करोगे स्टूडेंट्स, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अभी आधे को मालूम ना हो तो एटॉमिक मास जो है इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी इज प्रोटॉन एन इज न्यूट्रॉन, यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास
9th, राइट। पर एटॉमिक मास अगर जिसको याद नहीं है उसको रिकॉल करवाने के लिए मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब आप सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, तो जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी, होगी ही होगी, ठीक है। और जब आप ऐसे ही एक टेबल अरेंज करोगे तो वो आपको 8 नोट्स ऑफ म्यूजिकल स्केल जैसा दिखेगा, जैसे हमारे भी सॉन्ग के 8 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। तो 8 नोट हैं, राइट। तो जब आप एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे और अगर आप फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कंपेयर करोगे तो वो 8th एलिमेंट जैसी होगी, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेबल 5.3, ये मैंने टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर रखा हुआ है। तो हाइड्रोजन है, उसका सबसे कम एटॉमिक मास है, लीस्ट एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 देता हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है, लिथियम का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, बेरिलियम का लिथियम से ज़्यादा है। तो ऐसे पूरा टेबल अरेंज्ड है, अबे आप समझ सकते होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने ही हाइड्रोजन से लिथियम का ज़्यादा, लिथियम से बेरिलियम का, ऐसे पूरा टेबल अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हुआ 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये फर्स्ट और 8, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, ठीक है। ऐसे बताया था, एवरी 8th एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी विच आर अ रिपीटेशन ऑफ दोज ऑफ फर्स्ट इफ अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी और एक हम नंबरिंग करते हैं, जैसे कि मैंने फ्लोरीन को 1 दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टी होगी सेम, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी स्टूडेंट्स, फ्लोरीन और क्लोरीन की, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने ये पूरा टेबल को बनाया है। सेम वे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, सेम टू सेम, राइट। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन कोबाल्ट निकल और ब्रोमियम सबकी प्रॉपर्टी सेम वे। आप सेकंड कॉलम में देखिए, उसमें भी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, थर्ड कॉलम में भी सेम प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो ऐसे उन्होंने पूरा टेबल अरेंज किया, ठीक है, लाइक 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल, राइट। सारे गामा पादा निशा एज इट इज गिवन, द कॉलम डिफरेंट कॉलम नेम इज सारे गामा पादा निशा एंड इंग्लिश नोट्स आर गिवन टू यू, दैट इज दो रे मी फा सो ला ती, ओके, दैट आर द इंग्लिश टोन्स। नाउ लेट्स मूव टू द लिमिटेशंस। तो आपको क्या लग रहा है कि न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव से सभी एलिमेंट्स को अच्छी तरह से क्लासीफाई हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आए न्यूलैंड भाई साहब, ठीक है, न्यूलैंड ने भी जो बताया वो थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा बहुत ठीक नहीं था। देखते हैं क्या है इनके लिमिटेशन। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो फॉलो होता था। कैल्शियम मतलब अगर आप अभी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करते हो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 2020, राइट। सो इट वाज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर कैल्शियम। व्हाई? बिकॉज द लॉ वाज ओबेइंग ओनली अप टू एटॉमिक नंबर 20, मतलब कि कैल्शियम तक ही वो 8th एलिमेंट वाला लॉ है वो अप्लाई हो रहा था, कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी है, ओके। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। कैल्शियम के बाद कोई भी आप 8वां एलिमेंट लेते हो तो उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी नहीं थी, ठीक है। कैल्शियम के बाद कोई भी, मतलब कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंगनीज और एर्सेनिक ले लो, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग थी, एक मेटल था तो दूसरा नॉन मेटल था, दोनों एक में थे, ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो इसीलिए ये फर्स्ट लिमिटेशन था कि कैल्शियम जो है वहाँ तक ही ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो ओबे हो रहा था, कैल्शियम के बाद नहीं हो रहा था। लिमिटेशन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड, इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड ने ऐसे बता दिया था कि भाई नेचर में 56 एलिमेंट ही रहने वाले हैं,
फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, और अभी मालूम है मैंने आपको बताया 98 एलिमेंट्स नेचुरली किए है मौजूद, ठीक है, हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे ही नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ऑब्वियसली उसकी उनकी प्रॉपर्टीज तो फिट होने वाली ही नहीं थी, क्योंकि न्यूलैंड ने तो ऐसा बता दिया था कि 56 के बाहर कोई भी एलिमेंट्स आने वाले ही नहीं है। सो दिस वॉज द सेकेंड ड्रॉबैक। एंड थर्ड ड्रॉबैक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इज इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स मैनी एलिमेंट्स एक्चुअली इन टू द टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स न्यूलैंड ने क्या किया, दो दो एलिमेंट को एक ही कॉलम में एडजस्ट करने की कोशिश की, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर कोबाल्ट एंड निकल इज गिवन इन सा कॉलम एंड CENLA इज गिवन इन मा कॉलम, ओके। सो यू कैन सी, सो बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट। अनलाइक मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी वो एक ही नोट में थे, आपने अभी देखा। कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरिन क्लोरिन एंड ब्रोमिन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दिस एलिमेंट। स्टूडेंट्स फ्लोरिन क्लोरिन और ब्रोमिन ये सब हेलोजेंस हैं। क्या है स्टूडेंट्स, हेलोजेंस है FClBr, और ये कोबाल्ट और निकल है वो तो मेटल्स हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी तो बहुत अलग हो गई, राइट। सो ऑन अदर हैंड आयन विच रिसेम्बल्स प्रॉपर्टी लाइक कोबाल्ट एंड निकल हैज बीन प्लेस्ड फार अवे। आयन भी आपको मालूम है मेटल है, पर वो आयन तो बहुत दूर है, चलो ढूंढने जाते हैं आयन को, आयन तो यहाँ है, कोबाल्ट और निकल यहाँ है, तो वो तो यहाँ से बहुत दूर है, इट्स फार, राइट। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉट वॉज द थर्ड ड्रॉबैक, दैट ही हैज प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट इन द सेम नोट एंड इवन द एलिमेंट विद द अनलाइक प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस्ड इन द सेम नोट, राइट। द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सिमिलियर प्रॉपर्टीज विद द अदर एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक दैट दिस न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव ऑल्सो फेल्ड, ओके। तो इसके बाद कौन आया स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई, जो मेंडलीव नामक एक बहुत ही ब्रिलियंट मैं बोलूँगा राइट साइंटिस्ट ने पूरे एलिमेंट को क्लासिफाई किया ग्रुप्स और पीरियड्स में, जिसका क्लासिफिकेशन हम पार्ट टू वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आप ये वीडियो को अच्छे से समझिए, अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।